यह समस्तीपुर जिले के सरायरंजन ब्लॉक का जीविका ऑफिस है। आज यहाँ भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित हैं। क्या आप जानना चाहेंगे ये महिलाएं यहाँ क्यों आई हैं? आज जीविका की ओर से इन सभी महिलाओं के लिए जॉब निबंधन शिविर और जॉब मेले का आयोजन किया गया है। यह सब महिलाएं इसी में हिस्सा लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हैं। सबसे पहले सभी महिलाओं का जॉब निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इस काम को करने के लिए सरायरंजन ब्लॉक के JRP यानी जॉब रिसोर्स पर्सन भी जीविका से संबंधित महिलाओं की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा उन्हें मौखिक रूप से जानकारी देने के लिए भी जीविका के स्टाफ उपस्थित हैं और समय समय पर उनकी सहायता कर रहे हैं। एक पर्सनल डिटेल्स हो गया, यहाँ पर हमने बोला, अब इसी के बाजू में लिखा है फैमिली का। अब इधर क्या क्या मांग रहा है फैमिली से संबंधित। फर्स्ट है आपका फादर्स नेम। सब लोग के पास मैट्रिक सर्टिफिकेट है तो जो अभी आपने भरा है उसके पीछे मैट्रिक सर्टिफिकेट का जेरॉक्स कॉपी लगा दीजिए। ठीक है, बाकी जो नीचे मांग लिया जाएगा। यहाँ के काम के बारे में मालूम है आपको जी? क्या काम करना है यहाँ पे? इसमें सर इस पूरी प्रक्रिया के पश्चात एक एक कर महिलाओं का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू शुरू होता है। इस इंटरव्यू में सफल महिलाओं का चयन यहाँ पर उपस्थित कंपनियों द्वारा किया जाता है ताकि उन्हें रोजगार मिल सके और वह अपने परिवार के भरण पोषण में आर्थिक सहायता कर सके। स्वास्थ्य के बारे में आप बताती हैं लोगों को, मुझे कुछ बताइए। भविष्य में जीविका के द्वारा और भी ऐसे जॉब मेले का आयोजन होना है। इससे अधिक से अधिक महिलाओं को नए नए रोजगार के अवसरों से जुड़ने का मौका मिलेगा और वह आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सकेंगी। मैं माधु कुमारी हूँ, मैं कल्याणपुर से आई हूँ और मैं इंटरव्यू के लिए आई थी जिसमें मैं अभी इंटरव्यू अच्छा गया। और मेरा नाम है मीना देवी, मैं ग्राम पोस्ट झखरा टोले कल्याणपुर से आई हूँ और सीसी ने बताया हम लोग को जो इसमें इंटरव्यू है, जो दीदी को आना है और दीदी को आप समूह में भी बताइएगा। सब समूह में जाके हम बता दिए हैं कि दीदी आप लोग जो इतना मैट्रिक पास होंगे वो सब दीदी आएंगे और यहाँ पर जो इंटरव्यू होगा उसमें जो दीदी को अच्छा जाएगा वो दीदी को सेलेक्ट किया जाएगा, इसलिए इसी में हम लोग भी आए हैं। हम लोग का इंटरव्यू बहुत अच्छा से गया। 2 तारीख को 2015 को ये जीविका ऑफिस के तरफ ब्लॉक के तरफ से ये जॉब शिविर लगा है जिसमें मैं इसमें इंटरव्यू देने आई हूँ। मेरे इंटरव्यू अच्छा गया है। नाम हुआ नीतू कुमारी, मैं BCOM थर्ड ईयर में पढ़ती हूँ और मैं ग्राम मनका पोस्ट अख्तियारपुर थाना सरायरंजन जिला समस्तीपुर से हूँ और मैं जीविका की तरफ से BRP के द्वारा ये पता मुझे चला है, योजना आई है, इसके लिए मैं जॉब के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया और मैं इसमें जॉब करना चाहती हूँ। जीविका BPI सरायरंजन ब्लॉक में आज महिलाओं का रोजगार मेला का आयोजन किया गया जिसमें कोहिनूर एग्रो सॉल्यूशन के लिए रोजगार मेला का आयोजन किया गया सरायरंजन ब्लॉक में, जिसमें 18 वर्ष से 35 वर्ष की महिलाओं को सिर्फ महिलाओं का ही रोजगार मेला लगाया गया, जिसमें हम लोग प्रोसेस ने अपनाया था, CMD प्रोसेस ने अपनाया था हर एक रेवन्यू विलेज में, राजस्व विलेज में, जिसमें अभिषेक जॉब मैनेजर, अखिलेश दीक्षित LS अपने खुद, जिसमें GRP और जीविका मित्र के द्वारा
प्रोफाइल भराते हुए सभी को ये सूचित किया गया कम्युनिकेशन के द्वारा कि हम लोग 2 फरवरी 2015 को हम लोग एक जीविका के द्वारा महिलाओं का, सिर्फ महिलाओं का, जिनका उम्र 18 वर्ष से 35 वर्ष है और जो मैट्रिक पास है उन्हीं लोगों का रोजगार मेरा लग रहा है बीपीआई ऑफिस के सायरेंजर ब्लॉक में, जिन्होंने सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर उस दिन हिस्सा लिया और उसके द्वारा कोहिनूर एग्रो सॉल्यूशन के द्वारा लोग 2 व्यक्ति आए और सभी का बढ़ चढ़ जो महिलाओं जो आए थे उनका सबका शॉर्टलिस्ट किया गया प्रोफाइल बढ़ा के, जिसमें से अकेले जॉब मैनेजर मैं और एलएच के द्वारा और जॉब जीआरपी के द्वारा सब जगह के अब सिर्फ मैक्सिमम मेहमान जिसमें से टोटल 150 से 200 महिलाएं आईं बढ़ चढ़ के हिस्सा ली इस रोजगार सेवक में, जिससे हमको ये अनुभव हुआ कि भविष्य में भी हमेशा महिलाओं के जो रोजगार मेला लगता है सिर्फ महिलाओं लोग के लिए हम लोग काम करेंगे, जिसमें से हम लोग का अप्रोक्स लगता है कि जो भी सिलेक्शन होगा वो तो आज के बाद पता चल जाएगा दिन 2 फरवरी के बाद, लेकिन हमको ये लगता है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जीविका बीपीआई ब्लॉक के लिए, जिसमें बहुत ज़्यादा सहयोग जॉब्स मैनेजर एलएच एवं मेरे द्वारा किया गया और आगे बस हम चाहते हैं कि हमेशा भविष्य में जीविका के द्वारा महिलाओं, सिर्फ महिलाओं को जिस तरह से वो चढ़ बढ़कर हिस्सा ली है इस मेला को लेकर बीपीआई सरेंजन, हमको लगता है भविष्य में हमेशा ये प्रोग्राम होते रहेगा, रोजगार सेवा लगते रहेगा। अब मेरा नेक्स्ट उम्मीद है कि 1 से 2 महीने के अंदर एक और हम लोग महिलाओं के लिए सिर्फ रोजगार सेवा का हम लोग आयोजन करेंगे, उससे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को हम लोग रोजगार देने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आज दिनांक 2 फरवरी 2015 को हमने बीपीआई सरेंजन में पिछले 1 सप्ताह से चली आ रही हुई एक्टिविटीज़ को लेकर, जो जॉब्स के लिए थी, जो हमने फील्ड में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन ड्राइव और यूथ मोबिलाइजेशन ड्राइव के थ्रू जेआरपी के माध्यम से सारी चीज़ों को हमने प्रोफाइल्स को कलेक्ट करवाया था और ये कोहिनूर एग्रो सॉल्यूशंस के लिए हमारा उसका प्लेसमेंट प्रोग्राम था, जिसमें महिलाओं का के लिए ही स्पेशली हमने इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया और उसमें हमारा था कि महिलाओं को अपने घर बैठे किस तरीके से रोज़गार मिल सकता है, क्योंकि आजकल ये देखा गया कि जीविका जैसे महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, ठीक उसी तरीके से जॉब्स में क्यों ना हम स्पेशली महिलाओं के लिए कुछ ऐसा लेकर के आएँ जिसमें कि महिलाएं हमारी बेरोजगार ना होकर के रोजगार में जाएं। इसके लिए हमने कोहिनूर एग्रो सॉल्यूशन से बात करी, उन्होंने भी इसके लिए हामी दिया और इसमें हमने वाटर प्यूरीफायर के लिए सेल्स का एक जॉब था उनका, जिसमें 4000 महीने की सैलरी पर हमने उनका सेलेक्शन के लिए यहाँ पर सारा प्रोसेस को किया। इसमें लगभग 150 से 200 महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जो कि हमारा प्रोफाइल जेआरपी के द्वारा कलेक्ट किया गया था। उन सारी चीज़ों में हमने ये पाया कि और भी प्रोफाइल्स हमारे पास कलेक्ट हो रहे हैं, जिनके लिए हम भविष्य में भी इन सारी चीज़ों को करने के लिए सोच रहे हैं। आगे का हमने ये सोचा है कि जो महिलाएँ इसमें से प्लेस्ड होंगी वो तो होंगी, साथ में आगे हम उनका दूसरा भी जो हमारा चल रहा है स्किल डेवलपमेंट का, उसमें भी इसमें से हम महिलाओं को जो नहीं होंगी उनके लिए भी कुछ ना कुछ हम लेकर के निकले, तो उनका स्किल डेवलपमेंट है, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, इन सारी चीज़ों पे भी जिन महिलाओं का सिलेक्शन नहीं होगा उनके लिए हमने सोचा है कि यहाँ से जो प्रोफाइल्स कलेक्ट हुए हैं वो हमारा फ्यूचर में उन सारी चीज़ों के लिए आएगा। इसमें हमारे लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट जो कि ब्लॉक में होते हैं उनका बीपीएम्स का डीपीएम का इन सब का कलेक्टिव योगदान रहा, जो कि कम्युनिटी के बीच में पहुँच करके हमने इन सारी बातों को रखा और आज उसका फल यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है और हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पे महिलाएं किस तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। आशा करता हूँ कि भविष्य में भी हम इस तरह के कार्यक्रम को और भी आगे बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार हम लेकर के आएँ इन लोगों के लिए, ताकि बेरोज़गारी किसी भी तरीके से वो दूर हो सके। धन्यवाद। 2013 अक्टूबर 2013 में समस्तीपुर ज़िले में जीविका काम करना शुरू किया था। तब शुरू में यहाँ 3 ब्लॉक से हम लोग स्टार्ट किए थे, सरायरंजन, पटोरी और मोरवा, ये 3 ब्लॉक में पायलटिंग चल रहा था। आज के डेट में हम सारे ब्लॉक्स, कुल 20 ब्लॉक्स में हमारा जीविका का कार्य चल रहा है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट जो हम लोगों का हुआ, यहाँ मैनेजर जॉब हैं अभिषेक कुमार के दिशा निर्देश में, अभी 2 फरवरी 2015 को सराय रंजन में एक नियोजन मेला किया गया आयोजित। उसकी खास विशेषताएं ये रही है कि ये महिलाओं के लिए ही नियोजन कैंप शुरू किया गया है। इसमें लगभग 150 हमारी महिलाएं आए थी
इसमें बहुत जो है सो ज़्यादातर हमारी दीदी हमारे स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई थी। और इसकी दूसरी विशेषताएँ ये रही हैं कि ये होम ब्लॉक्स में, जैसा कि सराय रंजन की ही दीदी शामिल हुई थी और सराय रंजन में ही ब्लॉक्स में ही उनको पोस्टिंग होगा एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। और ये कोहिनूर एग्रो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ की है, इसी में इन लोगों का नियोजन हुआ है। ये जीविका समस्तीपुर के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हम सोचते हैं कि इससे और बड़ा कैंप हम लोग फिर प्लान कर रहे हैं और करेंगे। ये दो विशेषताएं के साथ महिलाओं के लिए होम पोस्टिंग, होम ब्लॉक्स में ही पोस्टिंग है। धन्यवाद।